नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 5 मार्च 2020 के बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट्स क्या आ रही है उसको देखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, ऑर्डर कब जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, 3 मार्च को ऑर्डर रिजर्व तो हो गया, लेकिन दोस्तों अब ये ऑर्डर कब पब्लिश होगा उसको इस वीडियो के दौरान देखने वाले हैं। और उसके बाद बात करेंगे तारीख पर, तारीख मिलने से नहीं हो सकी शिक्षकों की कमी दूरी, 69,000 पर बोले सीएम। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट से तो कल दोस्तों आपने जैसा देखा कि सीएम योगी जी ने बोला कि तारीख पर तारीख अगर ना मिलती तो अब तक नौकरी लग गई होती छात्रों की। उसके बाद हम बात करेंगे 1,39,000 शिक्षा मित्रों की फीकी रहेगी होली, जनवरी से नहीं मिला मानदेय, आर्थिक तंगी से जूझने के कगार पर यूपी के शिक्षा मित्र। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट से ठीक है ना। 69,000 का दोस्तों मामला भले कुछ अलग हो, लेकिन दोस्तों ये भी बड़ी अपडेट है शिक्षा मित्रों के लिए कि इनको अभी तक जनवरी से नहीं मिला है मानदेय। उम्मीद करेंगे दोस्तों होली से पहले मिल जाए मानदेय इनको। उसके बाद हम बात करेंगे, केंद्र ने कहा जुकाम पीड़ित बच्चे स्कूल ना जाए, बार बार हाथ धोए। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है अब सीधे कोरोना की। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि जो केंद्र सरकार ने क्या कहा है, ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। और बार बार हाथ धोए तो कैसे हाथ धोने से दोस्तों कोरोना होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको दोस्तों इस बीमारी के बारे में वैसे काफी ज्यादा पता चल चुका होगा कोरोना के बारे में, लेकिन हाँ इसको थोड़ा बहुत दोस्तों और हम आपको डिटेल्स में समझा देंगे। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक बीमारियों में से एक है, ये बात भी आपको पता होगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में किसका पक्ष है मजबूत, शिक्षा मित्रों का या बीटीसी बीएड का। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल सबके मन में उठ रहा होगा कि अभी तक जितनी सुनवाइयां हुई उसके बाद दोस्तों किसको मिलेगी नौकरी। एक और सवाल दोस्तों, अब तक के सभी महासर्वे क्या कहते हैं और संशोधित उत्तरमाला में कितने नंबर बढ़ेंगे। आपको दोस्तों बता दें, आपने देखा होगा कुछ महीने पहले जब एजी सर आए थे उन्होंने कहा था कि हमें अंतरिम रात पर नौकरी चाहिए। तो दोस्तों डेफिनेटली सरकार ये कर सकती है, अगर 60-65 की जीत होती है कल तो भले मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए, लेकिन दोस्तों एक बार अगर अंतरिम राहत पर नौकरी दे दी गई तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो फैसला आएगा ना, पूरे दोस्तों चांसेस हो जाएंगे कि अंतिम फैसला भी 60-65 ही हो जाएगा। तो एक बार अगर अंतरिम राहत पर किसी को नौकरी मिल जाती, चाहे 40-45 का पक्ष हो चाहे 60-65 का हो, फिर दोस्तों उनका मतलब हारना लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। मतलब फिर वो हारेंगे नहीं, चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए या ना जाए। तो सभी के दोस्तों मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा, क्या अंतरिम राहत दी जा सकती है। तो पहले देखते दोस्तों सीएम योगी जी ने क्या कहा था उसको देखेंगे, उसके बाद और डिस्कस करेंगे। तारीख पर तारीख मिलने से नहीं हुई शिक्षकों की कमी दूर, मुख्यमंत्री ने कहा कि 69,000 ठीक है सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रकरण में उच्च न्यायालय, 2 साल से डेट पर डेट नहीं पड़ती तो परिषदीय स्कूलों से में मानक के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध हो जाते। उन्होंने उम्मीद जताई कि देर सवेर फैसला आएगा और 69,000 शिक्षकों स्कूलों में अवश्य पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मतलब उम्मीद है, देखिए अब सरकार भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की जो सुनवाई हुई काफी तेजी से हुई है। एक बात और आपने गौर जरूर की होगी, नहीं की तो मैं आपको बता दूं, जो दिल्ली के इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए थे, उसके बाद दोस्तों सरकार ने ये तेजी दिखाई है। सरकार को भी दोस्तों पता है कि 2022 में चुनाव होने हैं यूपी में भी, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती से दोस्तों शुरुआत नहीं की जाएगी तो फिर काफी दिक्कतें होने वाली हैं। तो इससे पहले भी दोस्तों आपने हो सकता है कि सरकार का प्रेशर रहा, उसके बाद ही जैसा आपने कहा कि अब डिस्कस होगा तो पॉइंट टू पॉइंट होगा, नहीं तो दोस्तों जो इतना लंबा मामला खींचा है आपको पता होगा लास्ट के 1 से 2 महीने में दोस्तों इतनी सुनवाइयाँ हो गई जो कि पूरे साल में नहीं हुई। आपको पता था जब रोस्टर चेंज हुआ था दोस्तों बच्चे काफ़ी परेशान हुए थे कि सुनवाई अब फिर से शुरू होगी, लेकिन दोस्तों उसके बाद सुनवाई कितनी तेजी से हुई, ताबड़तोड़ सुनवाई हुई, आपको ये पता है ठीक है ना। तो पहला सवाल दोस्तों आपका यही था कि ऑर्डर कब तक जारी हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों ऑर्डर को जारी होने में तकरीबन 1 महीने का समय लगता है, मामला दोस्तों 3 मार्च को रिजर्व हुआ था, तो उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों हम लोग मार्च के लास्ट तक भी, जी हाँ दोस्तों मार्च एंड तक भी हो सकता है कि इसका ऑर्डर पब्लिश कर दिया जाए। देखिए डिपेंड करता है दोस्तों कि कितना समय लगना चाहिए, वैसे समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इस बार 69,000 शिक्षक भर्ती में, क्योंकि मार्च के दोस्तों महीना काफ़ी लंबा है। दोस्तों अभी आज हम लोग 5 तारीख में ही हैं, तो महीना तो दोस्तों लंबा है, उसके बाद मार्च नहीं तो मैक्सिमम दोस्तों जो आपका समय लगेगा वो अप्रैल तक ही लगेगा ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आपको कितने दिन में नियुक्ति पत्र मिल सकता है। देखिए एक बात आपको और बता दें, अगर एक बात आपको पता हो 12,460 शिक्षक भर्ती दोस्तों हुई थी, वो भी दोस्तों उसका मामला पिछले 1 साल से कोर्ट में चल रहा था। आपको बता दें अगर आपके घर में कोई भाई बहन दोस्तों उनसे पूछेगा तो दोस्त इनका मामला भी 1 साल से कोर्ट में चल रहा था, फिर अचानक से दोस्तों सरकार का कुछ फैसला आता है और जो इनको दोस्तों जो कोर्ट का फैसला आने के बाद लगभग इनको 1 हफ्ते के अंदर नौकरी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इनका काफ़ी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, 69,000 में दोस्तों अभी तक रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ। तो लेकिन हाँ
जब कोर्ट से 200 फैसला आएगा तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का भी फैसला है वो काफी ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़ सकता है। जी हाँ, इतना समय नहीं लगेगा अगर सरकार चाह जाती दोस्तों तो आपको एक हफ्ते में, जी हाँ दोस्तों, फैसला आने के विद इन वन वीक के अंदर आपको 200 नियुक्ति पत्र बढ़ सकता है। तो सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस, उसके बाद देखिए आपका रिजल्ट आएगा। देखिए अब आपके प्रोसेस बचा क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, मतलब फैसला आएगा कि आपको रिजल्ट किस पर जारी होना है। सरकार ये फैसला करेगी 40-45 पर या 60 या 65 पर। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी चीजें होने वाली है। 40-45 का मतलब आपको बता दें, पहले 60 और 67 नंबर होता है। 60-65 का मतलब है दोस्तों आपका 90-97, ये आपका प्राइसिंग मतलब पासिंग मार्क क्राइटेरिया है। मान लेते 260-65 की जीत होती है, ठीक है, मान रहे हैं खाली हम लोग। उस समय दोस्तों ये कंडीशन होगी कि अगर 90-97 से जितने भी बच्चों के नंबर कम होंगे, जितने भी छात्र कम होंगे, सबके आगे फेल लिख के आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 89 पर भी होंगे तो भी दोस्तों आप फेल है, 96 पर है तो भी आप फेल है। देखिए आपके नंबर जो संशोधित उत्तर माला में कितने बढ़ सकते हैं, आपको एक सवाल आता है। संशोधित उत्तर माला में अगर मान लेते हैं दोस्तों 2 नंबर बढ़ता, सिर्फ मान रहे हैं पहले हम लोग, अगर उन 2 नंबर दोस्तों अगर आपको पहले से उन 2 प्रश्नों पर नंबर मिल चुका है, फिर आपका तो कोई फायदा होगा नहीं। संशोधित उत्तर माला में दोस्तों जो नंबर बढ़ते हैं वो बहुत ही किस्मत वालों के नंबर बढ़ते हैं, मैक्सिमम दोस्तों नहीं बढ़ते हैं। होता क्या है ना कि 4 लाख बच्चे तो उसमें फायदा तो मिलेगा लेकिन सबको नहीं मिल पाता। मान लेते दोस्तों आप 89 नंबर पर आ गए, ठीक है ना, 1 नंबर सरकार ने बढ़ाना या PNP ने दोस्तों किया, आयोग ने किया, हम 1 नंबर बढ़ा रहे हैं। हो सकता है दोस्तों उस प्रश्न पर आपको पहले से ही 1 नंबर मिल चुका हो तो आपका क्या होगा। तो ये सब बातें भी बहुत ही मैटर करती हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों में। तो इसमें किस्मत भी दोस्तों बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो जो छात्र बिल्कुल करीब में होंगे तो उनकी नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाएगी कि वो 1 नंबर पेपर में कम लाए। तो फिर दोस्तों आप समझिए कि जैसे पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा 90-97 या 60-65 को लेकर, रिजल्ट के जारी होने के तुरंत बाद, यहाँ दोस्तों अगला जो हमारा प्रोसेस होगा, पहले तो रिजल्ट जारी होना, उसके तुरंत बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा कि उसके बाद दोस्तों ये सिटी वाइज दोस्तों आपकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी कि किस किस जिलों में कितनी कितनी सीटें आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, जैसे मान लेते दोस्तों आपका घर लखनऊ में है, किसी का घर कानपुर में होगा, किसी का घर बरेली में होगा, प्रयागराज में होगा, आगरा में होगा, अलग अलग जगह दोस्तों आपका घर हो सकता है, ठीक है ना, किसी का घर कानपुर में, किसी का घर दोस्तों यहाँ पर प्रयागराज में। तो इस बात को आप समझिए, पहले घर दूर दूर दोस्तों होता है तो उसके बाद सिटी वाइज आपकी लिस्ट जारी होगी कि कहाँ पर कितने शिक्षकों की मतलब नियुक्तियाँ होनी है। हो सकता है लखनऊ में दोस्तों आपको 2000 सीटें बच आ जाए, कानपुर में हो सकता है दोस्तों 1500 सीटें आ जाए, प्रयागराज में दोस्तों हो सकता है कि 2000 सीटें आ जाए, आगरा में हो सकता है दोस्तों 700 सीटें आए। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी प्रायोरिटी पहले डालनी है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जब आप ये फाइनल सबमिशन करेंगे, उम्मीद है दोस्तों सभी छात्र पूरे के पूरे जिले चूज करने वाले, कोई भी जिला कोई छोड़ेगा नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि इस बार आपको हर एक जिला चूज करने का मौका मिलेगा और बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है ना। पहले दोस्तों होता था कि आपको हर एक जिला जितना भी चूज करेंगे उसके हिसाब से पैसे पे करने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये प्रोसेस है, उसके बाद दोस्तों जो आपका रिजल्ट आएगा, जब चूज करेंगे सभी जिलों को, तुरंत दोस्तों आपको नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा। उसके बाद आप जैसे चूज करेंगे, मान लेते आपको लखनऊ मिल जाता है, तो लखनऊ में दोस्तों उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको कौन से स्कूल में पढ़ाने जाना है। तो ये दोस्तों पूरा मैटर होने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा। तो अभी देखिए अब तक के सभी महासर्वे क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों काफ़ी महासर्वे किए गए, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था, जो शिक्षा मित्रों की दोस्तों तादाद को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पर है। सभी लोग अपना अपना पक्ष देते हैं। कुछ लोग का दोस्तों मानना है कि अगर 40-45 की जीत होती है, ठीक है ना, ठीक है, 40-45 टीम की जीत होती है तो शिक्षा मित्र टेट पास शिक्षा मित्रों की जो संख्या है वो 30,000 से ऊपर होने वाली है, ठीक है। कुछ लोग का दोस्तों मानना है कि नहीं, ये संख्या 40,000 से ऊपर हो सकती है। देखिए दोस्तों, जो 30,000-40,000 की हम बात करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है, इतना भी नहीं है कि दोस्तों आप कुछ लोग बात करते नहीं 69,000 शिक्षक मतलब शिक्षा मित्र ही पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो होंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा भी नहीं होंगे तो बहुत कम भी होंगे। मैक्सिमम दोस्तों जो इनका डेटा जाएगा, मैक्सिमम की बात करें 30,000 शिक्षा मित्र दोस्तों 69,000 में नौकरी ले सकते हैं। बाकी दोस्तों जो सीटें बचेंगी वो BTC और BEd के छात्रों के लिए बचने वाली हैं, तो सभी छात्रों को परेशान नहीं होना है। हमने दोस्तों आपको एक बार बताया था सेफ जोन आपके लिए क्या हो सकती है। देखिए जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आप 70 से 75 तक के दोस्तों आपको नंबर जरूरी होता है नौकरी लेने के लिए। OBC कैटेगरी के छात्र हैं दोस्तों तो आपको कम से कम नहीं तो 60 नंबर से लेकर 65+ नंबर जरूरी होता है। SC कैटेगरी में दोस्तों भी कुछ आपका ऐसा ही है, 60 से लेकर आपका 65+ नंबर जरूरी है। और अगर दोस्तों आप ST कैटेगरी से आते हैं तो दोस्तों आपको 55 से लेकर 60+ नंबर लाना जरूरी है, ठीक है ना। जनरल में दोस्तों यहाँ पर आप 65 भी कर सकते हैं, 65 से 70, 70 से 75, इसके बीच मतलब आपको नौकरी मिल सकती है। तो ये सब दोस्तों अपडेट्स हैं। पहले दोस्तों एक बार ये जरा अपडेट्स को देखें कोरोना वाली, कि केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बुधवार को जारी एडवाइजरी में कहा, जुकाम पीड़ित बच्चे स्कूल ना जाएं,
बच्चों को बार बार हाथ धोने के लिए कहें। देखिए दोस्तों, हाथ धोने के लिए इसमें इसलिए कहा जा रहा है ना कि जैसे होता क्या है कि मान लेते आप किसी भी चीज़ को टच करते हैं, अगर आपका दोस्त कोई आता है दोस्तों हाथ मिलाते हैं, कोई और भी दोस्तों, अगर आपके हाथ में किसी भी प्रकार का वायरस आ जाता है, मान लेते दोस्तों कि कोरोना ही है, ठीक है ना, तो हाथ धुलने के लिए दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि जैसे आपने हाथ तो उससे मिला लिया, होते हैं ना आमतौर पर जब दो दोस्त मिलते हैं हाथ मिला लेते हैं, हैंड शेक होता है, तो उसके बाद हो सकता है दोस्तों उसी आग से आप गलती से आपके आँख में कुछ चला जाए। जी हाँ दोस्तों, आपके मान लेते आँख में कुछ चला जाता है, या दोस्तों आपको नाक में कुछ दिक्कत हो रही तो नाक में आप उंगली कर लेते हैं, या दोस्तों मुंह में उसी उंगली को ले जाते हैं, कुछ लोग होता है ना बच्चे नाखून तोड़ते हैं मुंह से, तो वही दोस्तों जब आपके हाथ ये सब चीज जगह से संपर्क में आप करेंगे अपने हाथ को, तो दोस्तों उसके बाद जो आपका इन्फेक्शन है वो शरीर के अंदर जा सकता है। जब वही हाथ को आप पहले से धुल लेंगे मान लेते हैं हाथ मिलाने के बाद या किसी भी ऐसे काम करने के बाद, तो दोस्तों वही वायरस आपका वहीं पर धुलने के साथ पानी के साथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप आँख में हाथ करते हैं, मुंह में करते हैं, नाक में करेंगे, कान में करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि आप हाथ धुलते रहिए, ठीक है ना, जरूरी भी है, छोटे बच्चों को बता दीजिए। देखिए इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें होंगी छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को। तो 69,000 शिक्षक भर्ती का दोस्तों मामला काफी हद तक फाइनल होने वाला है। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि अब कोरोना ना आए, और यूपी में दोस्तों कुछ केसेस मिलने के बाद होता है ना कि डर तो फैल ही जाता है, होली का समय है तो लोग होता है कि सभी लोग अपने घर आते हैं, चाहे दिल्ली से दोस्तों आए हो, मुंबई से हो, दूर दूर से घर आते हैं, तो बीमारियां दोस्तों से आपके घर आ सकती है, तो आप उससे सावधान रहना है कि नए नए लोग आएंगे उनसे आप दोस्तों संपर्क में ना रहें। होली आपको खेलनी है तो दोस्तों घर में खेले, बाहर मत जाए, मार्केट में जो रंग आते हैं दोस्तों, देखिए कोरोना का जो वायरस है तो ये कहा जा रहा है कि वो 30 डिग्री के ऊपर बच नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो जहाँ दोस्तों गर्मी हमारी शुरू होती है ना अभी, तो आपको पता गर्मी आने वाली है, उसके बाद कोरोना का बच पाना भी मुश्किल होगा। 30 डिग्री आपको तो पता ही है, रात में भी 40-40 के दोस्तों करीब पहुंचते हैं, दिन का जो तापमान होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो जाता है, तो गर्मी का इंतजार करना है हमें। तो गर्मी में दोस्तों किसी भी हर तरह से हम सेफ रहने वाले हैं, लेकिन हाँ इस बात को सीरियस लेना है, कोरोना बहुत ही खतरनाक वायरस है अभी तक पूरी दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया दोस्तों इसीलिए डर रही है, हर जगह दोस्तों देश में बैन इसीलिए होता है कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकते हैं, मतलब होता है ना कि आप बीमारी होने से बचें, अगर आपको एक बार कोरोना हो जाता है तो फिर दोस्तों आपको आइसोलेशन वार्ड में ले जाते हैं। आइसोलेशन का मतलब ये दोस्तों आपको अलग थलग कर दिया जाता है एक तरीके से, तो अभी तक दोस्तों ऐसी कोई मतलब दवा तो बनी नहीं टैबलेट की, दोस्तों एक टैबलेट आपने खाया और आप सही हो जाए, तो फिलहाल आपको अपने आप की सेफ्टी दोस्तों जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको अकेले घर में हो जाएगा तो आप पूरे घर वालों को करा देंगे, तो बस यही है कहने का कि आप घर में रहिए, घूमना है तो घूमते रहिए, लेकिन हाँ किसी भी अनजान शख्स से मत मिलिए, उनसे संपर्क में ना आइए जो बाहर से आ रहे हैं, बाहर से आने वाले दोस्तों को थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए, और हाँ हाथ धुलते रहिए। होता है ना मार्केट में आप जाते हैं दोस्तों, तो एक चीज़ और दोस्तों कर सकते हैं, दूसरों के मोबाइल फ़ोन मत टच करिए, ठीक है ना, सब होता है ना कि नए नए दोस्तों बीमारियाँ होती, मोबाइल फ़ोन को तो कोई धुलता है नहीं, तो बच के रहना है बस आपको, और अपने घर में अवेयर करिए, नौकरी पाने का समय आ रहा है और हम नहीं चाहते किसी को भी गलती से कोरोना के संपर्क में आने से आपको कोरोना हो, ठीक है ना। अब नौकरी पाने का समय आ चुका है 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों का, तो लास्ट टाइम में दोस्तों ऐसा हो तो ये बहुत ही बेकार बात हो गई। और इंडिया में दोस्तों सबसे बड़ी अभी दिक्कत पता क्या है, जो इसकी जाँच होती है ना, जैसे दोस्तों आपको पता हो कि आपको फीवर होता है तो आप जाते हैं मलेरिया की जाँच कराते हैं, टाइफाइड की कराते हैं, तो उसकी जाँचें हो जाती हैं। अभी दोस्तों इसको जो जांच वाली किट्स आई है वो पूरे देश में नहीं आ पाई है, हर सिटीज में होना चाहिए कि अगर लगता है कि आपको ऐसा कुछ लक्षण है, जैसे दोस्तों इन्होंने कहा कि जुकाम हो तो आप स्कूल मत जाइए, ठीक है ना, बच्चों से क्या कहा गया कि अगर आपको दोस्तों जुकाम पीड़ित बच्चे स्कूल ना जाए, तो क्या जुकाम पीड़ित बच्चों को यही माना जाएगा कि इनको कोरोना हो चुका है? तो दोस्तों ये सब बातें हैं ना कि एक बार पहले जाँच करा के आदमी सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ हमें कोरोना है या नहीं, ठीक है। उम्मीद करेंगे दोस्तों किसी को हो ना, और दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र बच के रहें, बिल्कुल पास आ चुका दोस्तों मौका नौकरी पाने का, और सच बता रहे हैं कि आप किसी भी ऐसे लोग से संपर्क में ना रहें जो दोस्तों ज़्यादा नहीं होता है। इस समय सिंपल सी बात आप ये समझिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल भी ना जाएं। होता ना आपके यहाँ जाकर दोस्तों, जैसे कुछ सिटीज़ होती हैं जहाँ बहुत ही भीड़ होती है, वहाँ नए नए तरह के लोग आते हैं, ये दोस्तों बहुत ही तेज़ी से फैलता है कोरोना, तो आपको बच के रहना है। बाकी दोस्तों आपको देखना है कि आप कैसे बच सकते हैं। अब 69,000 दोस्तों शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर है दोस्तों, वो या तो मार्च के अंत में पब्लिश होगा या तो अप्रैल के अंदर दोस्तों पब्लिश होना तो श्योर है बिल्कुल कि अप्रैल में पब्लिश हो ही जाएगा, तो समय कम है, नौकरी जल्दी मिलेगी, तो बच के रहिए, सेफ रहिए। और दोस्तों जो शिक्षा मित्रों की मानदेय नहीं आ रहा, उम्मीद करेंगे दोस्तों कि इनका भी मानदेय आ जाए, होली आ रही है तो होली से पहले देखिए दोस्तों क्या अपडेट है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत प्रदेश के 1,39,000 शिक्षा मित्रों
कि होली इस साल फीकी रहेगी। 9 मार्च को होलिका दहन में 5 दिन का समय बचा है। अब तक इनके मानदेय का बजट जारी नहीं हो सका है। जनवरी और फरवरी 2 महीने का मानदेय नहीं मिलने के कारण शिक्षा मित्र और उनके परिजनों को होली का त्यौहार मनाने में कठिनाई होगी। 25 जुलाई 2017 को सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद इनके वेतन 1/4 कम होकर 10,000 रुपये मानदेय हो गया है। नियमता हर महीने 7 तारीख तक मानदेय खाते में पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए हर महीने 20 तारीख तक की उपस्थिति 21 या 22 तक खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेज दी जाती है। अब बजट जारी होता है तो होली से पहले भुगतान मुश्किल होगा। जिलों में ग्रांट आने के बाद भी कई प्रक्रिया से गुजरते हैं, मतलब बैंक में बिल जाता है और तब तक बैंक का कर्मचारी कंप्यूटर पर पोस्ट करता है, उसके बाद शिक्षा मित्रों के बैंक खाते में मानदेय पहुंच पाता है। तो इस बार सभी बैंक 8 मार्च से बंद हो रहे हैं। गुरुवार से शनिवार तक 3 दिन में मानदेय भुगतान हो पाना मुश्किल लग रहा है। गौरतलब है कि प्रसिद्धि विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत लगभग 1,62,000 ठीक है ना शिक्षा मित्रों में से 1,39,000 पर शिक्षा अभियान के तहत रखे गए और लगभग 23,000 सीधे बेसिक शिक्षा विभाग ने रखा है। तो दोस्तों ये बड़ी बात होगी कि इनकी सैलरी समय से नहीं आ पाएगी। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि होली का त्यौहार है, सभी को सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी पद पर हो, सैलरी की बात छोड़िए दोस्तों, आप प्राइवेट सेक्टर में होते तो आपको हो सकता था बोनस भी मिलता, यहाँ तो सैलरी ही नहीं मिल रही। उम्मीद करेंगे सबको पैसा समय से मिले। और अगर आपको दोस्तों किसी भी प्रकार की बीमारी लगती है तो कोरोना से समय आपको बच के रहना, बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है दोस्तों, गलती नहीं करना इस समय यहाँ पर किसी भी प्रकार की, और किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके से आपको जाने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, होली पर होली खेलनी तो घर में खेलिएगा, किसी भी अनजान शख्स के साथ आप मत जाइए। आपके दोस्त होते हो ना, बोलते हो ना मेरे कॉन्टेक्ट दिल्ली से हैं, विदेशों से हैं, तो फिलहाल इस समय विदेशी आदमी से दोस्तों आप मिलने की कोशिश भी मत करिएगा। उन दोस्तों से मत मिलिए जो भी इस समय विदेश जाकर आ रहे हो, फॉरेनर्स हो। आपको पता ना जितने भी दोस्तों भी इंडिया में केसेस मिले मैक्सिमम दोस्तों सभी लोग विदेश से ही आए, तो मतलब दोस्तों वो लोग इंडिया में आके पहले इतने दिन घूमते हैं, उसके बाद पता चलता है कि इनको कोरोना है। तो अभी उतनी अच्छी स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही देश में, उम्मीद करेंगे दोस्तों ये हो जाए, नहीं तो चीन में आपने देखा ना क्या हाल हुआ है, वहाँ पर पूरा दोस्तों इलाके का इलाका सील कर दिया गया। हम नहीं चाहते दोस्तों कि इंडिया में भी भीड़ भाड़ अच्छी रहती है, तो बच के रहना। आपको फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और हाँ, आप अगर आपके इतने गुणांक बन रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिएगा, जनरल कैटेगरी में 60 से ले मतलब 65 से लेकर दोस्तों 75 तक, और OBC SC ST में इतने नंबर, 40-45 की दोस्तों हम बात करें, अगर जीत भी होगी तो आप इतने दिक्कत में नहीं आएंगे। जो शिक्षा मित्र टेट पास शिक्षा मित्रों की संख्या होगी दोस्तों वो मैक्सिमम समझ के चलिएगा 22 से लेकर 30,000 तक होगी, इतने भी ज़्यादा शिक्षा मित्र नहीं होने वाले हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।